हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टुडे वी विल एक्सप्लेन लेसन फर्स्ट द क्रैंकी मकाओ फर्स्ट वी नो अबाउट द लेसन मेनी डिफरेंट एनिमल्स भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स वर्ड्स भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ड्स एंड इवन रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स मीन्स रेंगने वाले जीव जंतु यहाँ तक कि रेंगने वाले जीव जंतु आर कैप एज पैट्स हम लोग क्या करते हैं उनके लिए पेट्स बना लेते हैं मीन्स पालतू बना लेते हैं डॉग्स आर पॉपुलर पेट्स एज दे आर फ्रेंडली जो डॉग्स होते हैं जो कुत्ते होते हैं वो बहुत ही पापुलर पेट्स होते हैं क्योंकि दे आर फ्रेंडली वे बहुत ही उनका नेचर बहुत ही फ्रेंडली होता है एंड आर गुड कंपनी और बहुत अच्छी कंपनी देते हैं स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विशेष रूप से किन के लिए बच्चों के लिए इसलिए डॉग्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर पैट्स कहे जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और अच्छी कंपनी देते हैं सम पीपल हैव कैट्स एज पैट्स कुछ लोग होते हैं जो किसके लिए पालतू बनाते हैं कैट्स के लिए बिकॉज कैट्स आर वेरी इंडिपेंडेंट क्योंकि जो कैट्स होती हैं वो बहुत ही इंडिपेंडेंट होती हैं मीन्स स्वतंत्र भाव वाली होती हैं पैराकिट्स कैन वी ट्रेंड टू टाक पैराकिट्स मींस पैरट कैन वी ट्रेंड टू टाक जो पैरट्स होते हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं ट्रेंड कर सकते हैं बोलने के लिए मीन्स वो बातें कर सकते हैं इन ओल्डन डेज प्राचीन समय में सेलस एंड पायरेट्स सेलस मीन्स जो समुद्री यात्रा करते हैं जिन्हें कह सकते हैं नाविक या मल्लाह पायरेट्स मीन्स समुद्री डाकू सेलस एंड पायरेट्स हुट ऑफ टाइम जो बहुत सारा समय व्यतीत करते थे कहा ऑन द सी समुद्र में कहा व्यतीत करते थे अपना अधिक से अधिक समय समुद्र में यूज टू कीप पैराकिट्स एज पैट्स और जो पैरट्स होते हैं पैराकिट्स होते हैं उन्हें क्या वो बनाते हैं उन्हें पालते हैं दिस इज स्टोरी ये एक कहानी है ऑफ अ सेलर एक नाविक की एंड हिज पेट और उसके पालतू मकाओ उसका पालतू कौन है ये आप देख रहे हैं पैरट ये उसका पालतू है मकाओ इसका नेम क्या है मकाओ ओल्ड सेलर जॉनी जे इसका नेम क्या होता है ओल्ड सेलर का जॉनी जे लव्ड द सी उसे भी सी में रहना बहुत अधिक पसंद था फ्रॉम द ईयर ही टर्न ट जब से वह ट्वेल्व ईयर का हुआ था ही स्टार्ट सेलिंग और उसने समुद्री यात्रा करना स्टार्ट कर दिया सेलिंग में समुद्री यात्रा करना सिंस देन इट हैज सिक्सटी सिक्स ईयर तब से कितने साल हो गए हैं सिक्सटी सिक्स ईयर्स हो गए हैं ही हैज सेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड और उसने पूरे संसार में क्या की है यात्रा की है पूरे संसार में वह घूमा है ही हैज़ सीन मैनी कंट्रीज उसने बहुत सारे कंट्रीज वह देख चुका है बट द सी वाज हिज होम लेकिन जो सी है समुद्र वही उसका घर था ही डिड नॉट लाइक टू लिव ऑन द लैंड उसे ही डि नॉट लाइक उसे पसंद नहीं था टू लिव रहना ऑन द लैंड ज़मीन पर जमीन पर रहना उसे पसंद नहीं था फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय तक कह सकते हैं लंबे समय तक उसे ज़मीन पर रहना पसंद नहीं था ही हैड स्मॉल केबिन उसका एक इस्माल केबिन में शुरू कह सकते हैं क्या कहेंगे रूम उसके उसका एक स्मॉल रूम था ऑन एन आइलैंड ऑफ गुआना जो गुआना का एक द्वीप था आइलैंड था उस वहाँ पर उसका एक छोटा सा केबिन था वे ही चूज टू स्टे जहाँ पर वह रुकता था इंस्टीट विथ हिज फैमिली मींस अपनी फैमिली के अलावा मींस कह सकते हैं वो अकेले वहाँ पर रुकता था वहाँ पर उसकी फैमिली नहीं रुकती थी विच लिव ऑन अयर बाई आइलैंड जो उसकी फैमिली थी वो कहाँ रहती थी उसके पास ही में जो आइलैंड था वहाँ पर रहती थी थैंक यू स्टूडेंट्स नाव वी कैन एक्सप्लेन द नेक्स्ट पैराग्राफ इन नेक्स्ट वीडियो